दोस्तों यहाँ मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ब्लूटूथ कनेक्ट करने पर कनेक्शन फील्ड नज़र आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फील्ड टू कनेक्ट टू डिवाइस रेडमी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ओके करूँगा और यहाँ पे फिर से ये अवेलेबल डिवाइस दे रहा है और यहाँ पे मैं फिर से कनेक्ट करूँगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो मैं रेडमी डिवाइस में यहाँ क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं यहाँ पेयर पर जैसे क्लिक करूँगा, जैसे कि ये देखो यहाँ पेयर आ चुका है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं उससे पहले ये कट जाता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सबसे पहले बैक चलना है और यहाँ पे आपको अपना ब्लूटूथ सबसे पहले बंद करना है, ठीक है। जैसे मैंने ब्लूटूथ को बंद कर दिया, अब यहाँ पे आपको अपने वाल का जो पावर वार बटन है उसे दबाना है इस तरीके से और फ़ोन को एक बार यहाँ से स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ स्विच ऑफ कर देता हूँ फ़ोन को, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। उसके बाद ये स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ समय बाद यानी कि 30 सेकंड या 40 सेकंड बाद ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने पावर वाले बटन को दबा के मोबाइल को ऑन करता हूँ, जिससे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को ऑन कर लिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, ब्लूटूथ ऑन करने से पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। ऐप लिस्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग होगा, लोडिंग होने देना है। आप लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ टू डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सो सिस्टम पे टैप करेंगे और यहाँ पे आपको डालना है VLU ब्लूटूथ, इस पर आपको क्लिक करना है। इसे आप फोर से स्टॉप कर देंगे, स्टोरी यूज़ पे क्लिक करके क्लियर कैच कर दीजिए, क्लियर डाटा कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशंस पे क्लिक करना है। जितनी भी परमिशन होती हैं पहले से अलाउ होती हैं, नहीं है तो आपको एक एक करके इस तरीके से अलाउ कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन की ये दो सेटिंग होती हैं आपको ऑन ही करके रखना है। अब यहाँ से आपको बैक चलना है। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग में ही जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग का एक सर्च बार होता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये मिलेगा। नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है, ऐसे आप यहाँ से रीसेट कर दीजिए, ठीक है, नेटवर्क सेटिंग को इस तरीके से। ये रिस्टोरिंग होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ ब्लूटूथ पे क्लिक करूँगा लॉन्ग प्रेस करके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देखेंगे ये देख सकते हैं आ चुका है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रेडमी पे, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे कुछ टाइम ही वेट करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब अभी देखेंगे फिर से यही दे रहा है, तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा वेट करूँगा, फिर से मैं उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देख सकते हैं मैं पेयर पे क्लिक करूँगा, तो इस फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है। तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयर टू कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेयर कर दूँगा, ये देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।